नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। कल मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों की लिस्ट भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में किस पार्टी की कितनी हिस्सेदारी होगी, इसका फॉर्मूला तय हो गया है। अब गठबंधन की सरकार चलानी है तो घटक दलों का साथ रहना जरूरी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति भवन में 9 जून यानी कल शाम को वो अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसका फॉर्मूला एनडीए के स्थानीय नेताओं ने तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो बिहार से जेडीयू और बीजेपी के बराबर बराबर मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी कोटे से जनार्दन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, गोपाल जी ठाकुर और नित्यानंद राय को मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं जेडीयू कोटे से ललन सिंह, सुनील कुमार, रामनाथ ठाकुर और दिलेश्वर कामत को मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं एलजीपी और एचयूएम से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई मंत्रिपरिषद में बिहार और आंध्र प्रदेश का अधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। बिहार में बीजेपी ने जेडीयू, एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि आरएलएम काराकाट सीट नहीं जीत सकी। सरकार चलाने के लिए मोदी 3.0 में क्या फॉर्मूला तय किया है, एक बार आपको विस्तार से बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी 3.0 में बीजेपी से 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं, सहयोगी दल से भी 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू से भी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 1 मंत्री पद मिल सकता है। अजित पवार की एनसीपी को 1 मंत्री पद मिल सकता है। वहीं चिराग पासवान की एलजेपी से 1 मंत्री और जीतन राम मांझी को 1 मंत्री पद मिल सकता है। तो किसको कितने मंत्री पद मिल सकते हैं, ये हमने आपको बताया। अब जरा एक नजर मोदी सरकार के पिछले दोनों टर्म में बनाए गए मंत्रियों के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। पहले 2014 के कार्यकाल की बात करें तो 2014 में बीजेपी के कोटे से 41 मंत्री बनाए गए थे। वहीं सहयोगी दलों से 5 मंत्री महज बनाए गए थे। यानी 2019 में दूसरे कार्यकाल की बात करें तो बीजेपी कोटे से 54 मंत्री और सहयोगी दलों से 4 मंत्री बनाए गए। अब 2024 यानी तीसरे कार्यकाल में बात करें तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और सहयोगी दलों के बराबर बराबर मंत्री बनाए जा सकते हैं। मोदी 3.0 को सहयोगी दलों का समर्थन मिला। दावा किया गया कि मोदी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलेगी, लेकिन विपक्ष तीसरे टर्म को लेकर पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि यह सरकार जल्द ही गिर जाएगी, ऐसे में बीजेपी का पलटवार तो लाजमी है। मुख्यमंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ के, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो हमारे साथ हैं। भूपेश बघेल जी, आपने भविष्यवाणी की है कि अगले 6 महीने में सरकार चली जाएगी, किस आधार पर ये भविष्यवाणी है? इसलिए कि जो साथ में है, नीतीश जी को जो जानते हैं, नायडू जी को जानते हैं और मोदी जी को समझते हैं, तो तीनों की स्थिति ये है कि तीनों ज्यादा देर तक टिक नहीं। अब वो पता नहीं कहाँ के ज्योतिष है, मुझे नहीं पता। वो ज्योतिष जानते हैं कि क्या मालूम क्या है, कैसे कह रहे हैं वो। हम तो कह रहे हैं कि पूरे 5 साल सरकार चलेगी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व होगा, मार्गदर्शन होगा।